आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। प्राकृतिक रूप से अपने स्वच्छ आबो हवा के लिए जाने जाने वाला नैनीताल इन दिनों घुप काले धुएं की आगोश में है। यहाँ बीते 5 दिनों से आसपास के जंगलों में भयंकर आग लगी हुई है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से भारतीय वायुसेना आग बुझाने में जुटी थी, मगर इसका असर नहीं हो पा रहा। सेना एक जगह आग बुझाती है तो दूसरे जंगलों में आग भड़क उठती है। हालात बिगड़ते देख अब नैनीताल के आसपास के जंगलों में NDRF को उतार दिया गया है, जो ग्राउंड से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें नैनीताल के पास रामगढ़ क्षेत्र की हैं। इस बीच नासा ने भी उत्तराखंड की आग को लेकर नया अपडेट जारी किया है, जिसके मुताबिक पिछले साल की तुलना में अब तक आग लगने की घटनाएं 3 गुना अधिक बढ़ चुकी हैं। उत्तराखंड में पिछले साल मार्च और अप्रैल में आग लगने की 1850 घटनाएं दर्ज हुई थी, वहीं इस साल मार्च और अप्रैल में ये घटनाएं बढ़कर 6295 तक पहुंच गई हैं। नैनीताल के अलावा कुमाऊं के दूसरे हिस्सों में भी आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल में वनाग्नि की सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि पिथौरागढ़ में बीते दिन हुई बारिश के चलते कुछ राहत मिली है, और अगर इस बीच बारिश में देरी होती है तो जंगलों की आग और विकराल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।